والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين। मोहतरम अब्दुर्रहमान साहब, देवाद साहब, महकमों के अफसरान, साफी भाइयों, उमली ग्वादर शहरी राता कमाशा माँ इंतजाविया मुबारकबाद दें कि मर्ची आइया जब शर्रे हैं कुली कचहरी है तमाम को। ये बात ज़रूरी है, मसाइल हमारा बिल्कुल मालूम आ, और मसाइल सिर्फ मालूम न बल्कि मसाइल से गुजगाए भी। माँ सरमाएदार है, जागीरदार है, बच नहीं माँ में मसला है, वत भी गुजगाए मालूम भी और गुजगाए भी, फेस भी कर रहे हैं। भले ही गैदरिंग के पब्लिक और ब्यूरोक्रेसी दरमियाना के गैप है, फासला है, या अवामी नुमाइंदा अवाम दरमियाना फासला है, ख़त्म भी वो बतमत बार बार बैन दें। इंसान नसीफी कलमा वानी कलमा आबाद फौरन इस्लाम तो का रोचे पाँच टेम है इज्तमा, पाँच टेम है इज्तमा, फजर एक इज्तमा, जोर एक इज्तमा, असुरा एक इज्तमा, ऐशा लेकिन मुझे बार बार चेयर एक कह रहा हूँ भाई इज्तमा में तस्वूर है, हर वक्त बैन, हर वक्त जमा बैन, हर वक्त गपशप बेका, हर वक्त मुशावरत बेका, और सार मुझे तसाबा बेका। ये बात ज़रूरी है, हर वक्त बेबा, हर वक्त गिंदुलन बीबी, हर वक्त एक की दूमी है तसाब बीबी। माम भी बतौर एम पी ए आवाम के रहा जवाब दें, अल्लाह के रहा भी आवाम के रहा भी। माँ वादा कोतगा तकरीर भी कोतगा, हर तकरीर है गपे माँ शोभा और शपा, हर वक्त मनी दे माँ गए कि माँ कौम कौम कोतगा। अष्ट फरवरी इलेक्शन भी और बिस्तो अष्ट फरवरी माँ अलफ जस करा और कानूनी और आयनी हैसियत मनी बिस्तो अष्ट फरवरी शुरू है। बिस्तो अष्ट मैया माना सह माह पूरा है सह माह, और ये दौराना 26 फरवरी तूफानी और ग्वादरा का है, अब तपरेला धूमी और ग्वादरा का है। इस सह माह था दो बलाए तूफाना मायदा वस पर सफर को उमरची तक बख्शी कॉलोनी टी टी सी कॉलोनी लोगों तो का आप मच्छी भी मैं मसरा तक तो मसायल इस सह माया अब तश्त असम्बली इजलास बीतगा और असम्बली इजलास तो का मैं जूनियर है सियासी कारकुन तजुर्बा ने कल यक असम्बली इजलास कजा नबी तक मोती मुकदमा कौन
यकीन है, मैं वादा है 5 साल बाद, 5 साल में मुकम्मल होंगे मेरे। जब टालर को पाक नहीं कर सका मैं सारे बलूचिस्तान से, ग्वादर अच्छा खूबसूरत ग्वादर नहीं दे सका मैं, अगला इलेक्शन में ग्वादर को सामने इंशाल्लाह मैं MPA की लिखाड़ा भी नहीं हूँ, इलेक्शन लिखाड़ा भी नहीं है, मेरा वादा है। लेकिन ये कौम साथ दे, आवाम साथ दे, मंशिया कल से इंशाल्लाह, कल 2 जून है, कल मंशियात के खिलाफ तहरीक का आगाज है, कल पूरा पुलिस, पूरी पुलिस, SSP, SHO सब आ रहे ग्वादर, कल इसका आगाज है। पूरा जिला ग्वादर के मंशियात फरोशों की फहरिस्त में आया आवेजा कर रहा हूँ, वफ्त बनाकर उलमा का उनके घर जा रहा हूँ कि इसलाह करो मंशियात छोड़ो, पे इंशाल्लाह MPA ग्वादर डंडा उठाएगा मंशियात फरोशों के खिलाफ। MPA ग्वादर कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे जिसने हमारी नस्ल को तबाह किया है, मेरी कौम को तबाह किया, जितना बासर जितने सियासी की सरपरस्ती हो, जितना बासर हो, मंशियात फरोशों के खिलाफ कल 2 जून से इंशाल्लाह मंशियात फरोशों के खिलाफ जंग का आगाज है कल। मैं आर्मी के जिम्मेदार से मिला, मेरा उससे इख्तलाफ है बहुत सारे रवैयों से, आर्मी के अफसरान से, मैं उनको कहा मैं आपका साथ चौकों पे कभी नहीं रहा, लेकिन आप जब मंशियात के खिलाफ पाक आर्मी मेरा साथ देगा मैं चौकों पे पाक आर्मी के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हूँ, आप मंशियात के खिलाफ मेरे साथ ताउन करें इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह आगाज होगा, पूरे काउंसलर डिस्ट्रिक्ट ग्वादर के तमाम काउंसलर को भी मैंने बुलाया है, तमाम मदारान को भी बुलाया है, SHOs भी सब आ रहे हैं, SSP भी, DIG भी, सबको इकट्ठे करें इंशाल्लाह कल। उसी तरह 48 स्कूल बंद है हमारे, वहाँ सब बंद है ना, 48 स्कूल हमारे जिले के बंद है। DC साहब से वहाब साहब से पहला मीटिंग हुआ इंशाल्लाह, ये जो सेशन खुलेगा, ये सेशन जो खुलेगा जब स्कूल का, ये आपको माशाल्लाह वादा है आपसे, सूबाई नौकरियां मिले या ना मिले, कुछ हो या ना हो, अब किस तरह करेंगे कैसे करेंगे, ये 48 स्कूल इंशाल्लाह खुल जाएंगे इंशाल्लाह, जब स्कूल खुलेगा 48 स्कूल खुल जाएंगे। DC साहब के तावन से, वाब भाई के सब के तावन से, और अभी मैं 3 महीने वहाँ रहा, 2 महीने अभी 3 हफ्ते, अच्छे अफसर लाएं जिला ग्वादर में, अच्छे अफसर लाएं, ये कोई सियासी बुनियाद पर ना हो, कोई मेरा मुखालिफ काबिल आदमी है उसको एम पोस्टों पर होना चाहिए, एम ओहदों में हो। ये वाब साहब, वाब साहब की फैमिली ने मुझे तो वोट नहीं दिया ना, वोट दिया मुझे नहीं, लेकिन काबिल और बासलाहियत है, इनकी जगह कोई और आ रहा था मेरी लड़ाई की, कि वाब के अलावा मुझे कोई कबूल नहीं है एजुकेशन अफसर, मुझे कोई कबूल नहीं, ये वाब साहब को इसलिए लाया, और बाकी जितने इंशाल्लाह
और मैं आवाम का मुकदमा लड़ रहा हूँ। मैं एम पी ए सूबे असम्बली में कहा अगर मैं ग्वादर का नुमाइंदा ग्वादर मुझे नज़रअंदाज करोगे फिर ग्वादर आके देखा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर आवाम के मफाद के खिलाफ हमारे आवाम के मफाद के बरखिलाफ नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इस पर अभी बिजली पे हुआ कल परसों शर्म में कल पर जा रहा हूँ वज़ीर आला से कि जो हमारे तारे हैं मुझे पैसे दे दो फौरी तौर पर ग्वादर का तारे हम फौरी तौर पर ग्वादर की जो 85 वाली तारे फौरन हम तब्दील कर दें। आज उनको कहा कि फौर मुझे दे दें मैं जाके फौर उससे पैसे ले लूँ। इंशाल्लाह जो मुआवजादात मकानात के वो भी मिलेंगे। असल में ज्यादती भी हम करते हैं 11,000 हमें कहें 11,000 मकानात गिरे 11,000 कहाँ गिरे भाई 11,000 कहाँ मकान गिरे जो लोगों के मकान गिरे उनको पैसे ताके ना मिले। अगर सरकार देने भी चाहे उनके नीयत में खोट भी हो फिर हम ऐसे दलाल देते हैं कि भाई इनको पैसे ही गरीबों को ना मिले। 11,000 मकान जिला ग्वादर में गिरे हम भी ज्यादती करते हैं। इसी तरह ये 400 या 1,000 2,000 वोट टूटे हम ये सरकार वैसे देने वाली नहीं है। फिर हम भी ऐसी रिपोर्टें देते हैं सियासी बुनियाद पे देते हैं किस तरह देते हैं इंशाल्लाह उनका भी करेंगे पैसे भी लेंगे। और ये मुआवजात बंदात का है बोट्स का है लाइफ स्टॉक का है इसी तरह मकानात का है सबका इंशाल्लाह मुआवजात हम सरकार से जंग करेंगे मिलेंगे बात करेंगे। जैसे साजिद भाई ने कहा लड़े नहीं हम लड़ नहीं रहे हम बात कर रहे हैं वो समझ आ रहे हैं बात कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कायल कर रहे हैं कि हमें फंड दो भैया हमें पैसा दो ये आप सिंगापुर है दुबई है पैसे दो इंशाल्लाह हम GDA DG भी है करीब चंद दिनों में इंशाल्लाह ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का आ जाएगा। GDA वहाँ स्टाफ है अंदर उनकी तब्दीली भी करेंगे बाकी यहाँ जिला ग्वादर में स्टाफ है उसकी भी तब्दीली करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह डिप्टी कमिश्नर साहब का तालीम से लगा हुआ है बाकी जहरी साहब का अवामी जद्दोजहद में बड़ी काफ़ी इंशाल्लाह लगा हुआ है बाकी जैसे न्यू टाउन हाउसिंग स्कीम है करप्शन की जड़ है उस पर हम क्या काम कर सकते हैं लोगों की शिकायत इंशाल्लाह लेंगे। मैंने आताबिश को कहा कल परसों में आऊँगा मुझे बता दें वहाँ पर क्या हो रहा है वहाँ क्या क्या होता रहा है उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे सेटलमेंट पर इंशाल्लाह। मुझे तो किसी ने पता नहीं है वो कहते कि भाई मुझे MPA बनने के बाद पता चला कितने पैसे हैं कितने वसायल हैं। किसी ने कहा भाई आपको ज़मीन का कितने पीस चाहिए ज़िले में कहा आपको दें क्योंकि मेरे एक ही पीस में जो अब्बू ने दिया है वो काफ़ी और पीस की ज़रूरत नहीं है अगर किसी ज़ालिम को पीस दिए वापस गरीब को कर दो वो वापस कर दो हमें कोई किसी पीस में इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमें ये ज़मीन का पीस या जीवनी में चाहिए। देखिए ये लोगों को किस तरह वो करते हैं किसी ने कहा 10 करोड़ में आपको दूंगा मुझे ग्वादर में फिलहाल अफसर बनाओ पैसे हैं भाई इतने बड़े पैसे माशाल्लाह जहाँ या इतने ज़्यादा लोग इसलिए तो यहाँ लोग कहते हैं एक पिछले दफ़ा हुकूमत में किसी ने 10 करोड़ रुपए दिए पीछे ग्वादर बनने के लिए ग्वादर पीछे का एक्शन बना दो 10 करोड़ क्यों भाई ग्वादर में तो पानी तो नहीं था क्या था पानी के लिए कि मैं कौम की खिदमत करूँगा मैं कौम को जो है गुजरला ग्वादर को हो दूँगा नहीं इंशाल्लाह ये जो करप्ट अफसरा ना है माजी में मेरे 3 महीने के इंशाल्लाह मैं आपके सामने मैं 3 महीने का MP अब तक 3 महीने गुजरे हैं ना तो 3 महीने में इंशाल्लाह मैं आपके एहतसाब के लिए तैयार हूँ। 6 जून को मैं आवाम के सामने जाऊँगा चौक में इंशाल्लाह खड़ा हो जाऊँगा 6 जून को कल मैं तमाम अपने अकदो तहरीक के कौंसलरों के जिम्मेदारों के सामने अपने आप को पेश कर रहा हूँ और आज इंशाल्लाह आपके जिम्मे डिप्टी कमिश्नर ब्यूरोक्रेसी आ रहे हैं और इंशाल्लाह मैं GVD और चौक में भी जाऊँगा अपने आप को एहतसाब के लिए बतौर MPR वक्त पेश करूंगा कि आप मुझे बताएं मेरे बारे में करप्शन के सबूत भी लाएं और जो मैंने वादे किए भी मुझे बार बार याद दिलाएं ताकि मेरे जहनों में बार बार ये ताज़ा भी हो जाए जो मैंने जो तकरीरें की बातें की मेरी भी ज़िला इंतजामिया से ये गुजारिश है कि आपके इंशाल्लाह आपके आपकी ज़िम्मेदारी के सरकारी दफ्तर या किसी सरकारी अफसर ने आवाम से रिश्वत तलब किया ये नोटिफिकेशन जारी होना चाहिए कि किसी सरकारी दफ्तर में किसी सरकारी अफसर ने आवाम से रिश्वत तलब किया आवाम आके उसका नाम बताए उसको फौरी तौर पर मुअत्तल होना चाहिए फौरी तौर पर मुअत्तल होना चाहिए कि किसी सरकारी दफ्तर में किसी भी अफसर ने रिश्वत तलब किया या पैसे तलब किए तो इंशाल्लाह मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ मुबारकबाद भी देता हूँ जहरी साहब को भी अब्दुलरहमान साहब को भी पूरी टीम को आपको भी आपने खुल के बात की खुल के अपने दिल के बातें की प्राइवेट स्कूल के बारे में जाहिद भाई ने बात की बाकी मंशा की बात की
साजिद भाई ने अपने जो बातें की याद दहानी कराई, कौदाली साहब ने अपनी बात की पूरी मुझे याद दिलाई, पर चले गए और वो इंशाल्लाह फिर सुन रहे होंगे। तो कौदाली भाई का भी एहतराम कि उन्होंने मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह बात की, 3 महीने का मुझसे हिसाब मांगा। मैं तो 3 महीने का हिसाब कहूँ तो मैं रुक से 3 महीने में मैं उस दिन एम पी हॉस्टल में था। किसी ने कहा भी एम पी हॉस्टल का क्या बिजली का किराया 1,00,000 रुपये, तो मैंने कहा भाई उसको कहूँगा मुझे एक खैमा दे देता कि खैमा में बसर कर दो, वो कहा क्या पैसे दे सकते, तो खैमा हमें दे देता क्या मुआ रहे। तो इंशाल्लाह मैं और आप साथ हैं, अपनी मुश्किलात बहुत हैं कंडरा।